से पहले तो समस्त देशवासियों को डॉक्टर अक्षय की तरफ से छठ की हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को। बहुत अच्छा लग रहा है कि परिवार के साथ मिलजुल के हम लोग इस पर्व सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो जैसा कि अभी आपने कहा कि 3 दिन पार हो गई है छठ पर्व की, तो एक मन में सुकून भी है, एक बेचैनी भी है कि कल छठ पर्व खत्म हो जाने के बाद फिर हम लोग क्या करेंगे। फिर तो कोई फेस्टिवल बचा भी नहीं इस साल का हमारा तो। और कल क्या कि कल हमारा लास्ट दिन है, आज 3रा दिन था वो कि संपन्न हो गया सभी लोग से, सभी लोग मिलजुल के हम लोग अच्छे से रहे, सब कोई बढ़िया से छठ का आनंद लिए। आप देख रहे हैं हमारे छत पे कितने लोग आए हुए हैं, सभी का मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और एक अपील मैं सबसे करना चाहता हूँ कि छठ में कोई कहीं भी रहे, अगर बिहार में अगर उनके परिवार हैं तो आप जरूर छठ में जाके उनके साथ सम्मिलित होइए, क्योंकि यहाँ की माटी की खुशबू और ठेकियों की मिठास बुलाती है आपके लोगों को आसपास। ठीक है, हालांकि मैं आपका भी रिएक्शन जानना चाहूँगा, जिस तरीके से आज तमाम तैयारियाँ हुई उसके बाद आज हमने जो है डूबते हुए सूरज को कहीं ना कहीं जरूर प्रणाम किया, लेकिन कहीं ना कहीं कोशिश ये थी कि मतलब एक जो खूबसूरती है बिहार की उसे बनाए रखी जाए। ओवरऑल क्या कहना चाहेंगे? सभी को, सभी देशवासियों को छठ की बहुत बहुत शुभकामनाएं मेरी तरफ से। थैंक यू वेरी मच। ऑल राइट सर, आपसे भी जाना चाहूँगा, जिस तरीके से हमने देखा कि तमाम लोग यहाँ पे एकजुट थे और कहीं ना कहीं अपने फेस्टिवल को स्ट्रॉन्ग करने की कोशिश थी, सबसे पहले आपका रिएक्शन? ये तो आस्था का महापर्व है। ये ज़्यादा शुरू आप मानते हैं, जानते ही हैं कि पहले बिहार और कुछ यूपी में होता था और अभी ये पर्व करीब करीब पूरे भारतवर्ष में फैल गया है और यहाँ तक रिपोर्ट है कि विदेशों में भी शुरू हो गया। तो ये तो महापर्व है आस्था का। इसमें हम लोग बोलते हैं सविता, सूर्य भगवान जो एनर्जी के सोर्स हैं, सारी चीज़ें वो उन्हीं पर डिपेंड करती है। पूरी पृथ्वी पर जितने भी लोग हैं जीवित, सारे एनर्जी सूर्य भगवान से आता है। उनका दूसरा नाम है सविता, सविता कहते हैं उनकी जो एनर्जी है उसको, और ये आकर के हम लोग के पूरे संसार में वो एनर्जी देते हैं और उसी का नाम छठी मैया भी है, उसी सविता का नाम। दूसरा नाम जो बोलते हैं हम लोग छठी मैया, तो ये सूरज की जो ये किरणें हैं, सूरज की जो हैं उनको छठी मैया बोलते हैं, बताते हैं। तो ये पर्व अभी मेडिकल साइंस में भी आ गया कि विटामिन डी इसमें है और वो डी इतना है जो आपको ज़्यादा भी नहीं होगा और कम भी नहीं होगा, जो डोज मिलना चाहिए। तो ये तो सृष्टि के पालने वाले हैं और पुराने ज़माने में चर्म रोग और अभी भी चर्म रोग में इनका ये हैं इतने हाँ योगदान है चर्म रोग में। तो पहले जब चेचक होता था, महामारी होती थी तो बहुत लोग मरते थे, उस ज़माने में छठी मैया का हर गांव में एक मंदिर होता था जहां लोग जब बच्चा ठीक हो गया जिसको नहीं हुआ उसकी माँ जाके चढ़ाती थी, वो आटा गुड़ और घी मिला के उसको गुलगुला बोलते थे देहात में, तो उसको ठेकुआ में मतलब बिस्किट के ऐसा बनाती थी और वो चढ़ाया जाता था और जाके वो लोग पूजा आँचल में लेके जो लेती थी छठ करने वाली उसको खाती थी। अब बच्चों के सबों के अच्छाई के लिए, भविष्य के लिए, लाभ के लिए वो किया जाता था। तो वो घाटी पर वो लोग पानी के पास करते थे और वहीं प्रसाद बांटते थे। तो ये पुराने ये अतुलनीय कंसेप्ट है और ये कंसेप्ट आदि पूजा है, इसमें कोई पंडित या कोई कराने वाले नहीं है, आप डायरेक्ट सीधे हैं और उनके बिना जीवन सफल नहीं हो ही नहीं सकता, इसलिए वो महापर्व है।